हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लेने वाले हैं टेस्ट ड्राइव टाइगुन जीटी प्लस की, जो कि इस कार का टॉप मॉडल है और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है, डीएसजी गियर बॉक्स के साथ, जिसे डीसीटी बोलते हैं। कार बाहर आ गई है, चलिए दिखाते हैं आपको। कार के लुक ज़बरदस्त हैं और ये फुल सेफ्टी फीचर के साथ आती है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है कार का। दोस्तों इस कार की जान है ये 1.5 लीटर TSI ईवो इंजन, जो कि 148 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है और ये एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जब हमारी कार ज़्यादा लोड फील नहीं करती तो इसके 4 सिलेंडर में से 2 सिलेंडर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं और कार हमारी 2 सिलेंडर के ऊपर रन करती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि कार का माइलेज बढ़ जाता है, तो बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इस इंजन के अंदर। ऑटो LED हेडलैम्प विद DRL और डिज़ाइन बहुत ही शानदार है हेडलैम्प का। 17-इंच डायमंड कट एलोई व्हील, जो कि देखने में बहुत ही शानदार लग रहे हैं। बूट में भी काफ़ी स्पेस है, 385 लीटर है और डीप है, और इसमें सेल्टोज और करेटा से ज़्यादा सामान आ जाता है। कार के बैक सीट में भी बहुत अच्छा स्पेस दिया है, 6 फीट तक का इंसान आराम से बैठ सकता है। आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, ज़रा बैठ कर देखते हैं तभी समझ में आएगा। काफ़ी स्पेस है भाई, ये देखो आप, आराम से आप स्ट्रेच हो गए, आराम से बैठ सकते हैं। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, मैं आराम से बैठा हूँ यहाँ पर। कार के डोर में भी काफ़ी अच्छा वेट फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही अंदर नज़र जाती है डैशबोर्ड के ऊपर, वहाँ पर आपको वो प्रीमियम लुक का एहसास नहीं होता जो कि आप फॉक्सवैगन या स्कोडा से उम्मीद करते हैं। अब जैसे ये सीट ले लीजिए आप, देखने में बहुत अच्छी हैं लेकिन लेदराइट नहीं है और ना ही ये वेंटिलेटेड हैं। डोर्स पर और डैशबोर्ड पर सभी जगह पर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ हुआ है और कहीं कहीं पर थोड़ा गैप फील होता है। प्रॉपर फिट एंड फिनिश उस तरह की नहीं है जो आप उम्मीद करते हैं, खासकर 20 लाख की कार के साथ में। ये कार सनरूफ के साथ आती है, लेकिन रूफ़ के चारों तरफ जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी क्वालिटी कोई ख़ास प्रीमियम नहीं है। ऐसे ही जो आप ये देख रहे हैं सनवाइज़र, इनकी क्वालिटी भी कोई ख़ास नहीं है, बहुत ही हल्के हैं देखने में, इतने ख़ास नहीं है, तो कुछ जगहों पर अच्छी कोस कटिंग की गई है। यह मिरर ऑटो डिमिंग है, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, और इंफोटेनमेंट सिस्टम 10 इंच है और साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी डिजिटल है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, प्रीमियम है लुक वाइज। स्टेयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत है, फ्लैट बॉटम दिया है और चारों तरफ से लेदर से रैप्ड है, और जितने भी यूज़फुल बटन हैं वो आपको स्टेयरिंग व्हील के ऊपर ही मिल जाएंगे। अब ज़रा डोर का थर्ड भी चेक कर लेते हैं। अच्छा है भाई। कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कार में कोल्ड ग्लोव बॉक्स दिया है, ठीक ठाक है स्पेस इसके अंदर। कार में क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक AC दिया है और सारे टच बटन हैं और वायरलेस चार्जर भी दिया है। और जो कार का गियर बॉक्स है वो 2 मोड में आता है, ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड्स। इसके अलावा इसको मैनुअल भी आप हैंडल कर सकते हैं। और कार में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया है। और ये है मिडिल हैंड रेस्ट, जो कि स्लाइडिंग वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और इसके नीचे काफ़ी अच्छा स्पेस भी दिया है। ये देखिए AC वेंट की जो ग्रिल हैं बहुत ही हल्की हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, भले ही चाहे इस कार का इंटीरियर वॉक्सवैगन की अदर कार की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस सेगमेंट की दूसरी कार हैं उनसे फिर भी बेहतर है हर लिहाज से। और ये कार की देखने में अच्छी लग रही है। अब जरा इस कार को चला के देख लेते हैं, बातें तो बहुत हो गई हैं। भाई पिकअप कार का बहुत अच्छा है, आपको स्टार्टिंग से ही पावर फील होती है कार के अंदर, कहीं भी जर्क सा नहीं आता। अब ज़रा इस कार को बाहर लेके चलते हैं हाईवे पर, तभी अच्छे से समझ में आएगा क्या है। हाँ, कार के जो सस्पेंसन है वो थोड़े से मुझे स्टीफ लग रहे हैं, और ये अच्छा ही होता है, अगर आप एक पावरफुल कार चाह रहे हैं तो थोड़ा स्टीफ होना अच्छी बात है। लेकिन जो स्कोडा है, जो मैंने कुशाक चलाई थी 1.5 TSI, उसके थोड़े सॉफ्ट हैं,
तो ये थोड़ा सा आपको बम्पी राइड दे सकता है। हम लोग जयपुर हाईवे पर आ गए हैं, अब जरा इसकी स्पीड बढ़ा के देखते हैं और चेक करते हैं क्या मज़ा है इस कार के अंदर। ज़बरदस्त मज़ा आ गया दोस्तों, राइड और हैंडलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इस कार की। स्टीयरिंग का रिस्पांस बहुत ही शानदार है दोस्तों, आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि कार आपसे कंट्रोल से बाहर जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और एक बात और बोलना चाहूँगा कार के बारे में दोस्तों, आपको इसको चलाने में बिल्कुल ऑडी Q3 जैसा मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर भी सेम ही पावर है दोस्तों। कार के गेयरबॉक्स का रिस्पॉन्स भी बहुत ही शानदार है, जैसे ही आप स्पीड पुश करते हैं तो एकदम से पंच फील कराती है कार आपको और आप सीट से चिपक जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से चलाइए इस कार को, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है, फन टू ड्राइव कार है, बहुत ही शानदार मुझे लगी है कार अभी तक चलाने में दोस्तों। इस कार का DSG गेयरबॉक्स और 1.5 TSI ईवो इंजन का कॉम्बिनेशन इस कार को एक ज़बरदस्त कार बनाते हैं। अगर आप एंथुजियास्ट हैं और कार चलाने के शौकीन हैं तो एक तो ये वाली कार और स्कोडा कुशाक 1.5 TSI आपके लिए एक बेस्ट पिक होगी, और आपको इस कार से कहीं पर भी चलाने में कोई भी शिकायत आने वाली नहीं है, और पावर में कहीं भी आपको ये कमी फील नहीं कराती और किसी भी कार को आसानी से ओवरटेक भी कर लेती है। अब हम सेक्टर में आ गए हैं और यहाँ पर मेरी स्पीड 25-26 की है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी इसकी एक्टिव हो गई है, और अब ये जो कार है दो सिलेंडर पे चल रही है और गियर दूसरा है। तो जब कार ज़्यादा लोड फील नहीं करती, चाहे वो कम स्पीड में हो या ज़्यादा स्पीड में हो, ऑटोमेटिकली इसके दो सिलेंडर ऑफ हो जाते हैं और कार जो है दो सिलेंडर पर चलती है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी आती है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको केवल स्कोडा और VW ही प्रोवाइड करते हैं। जस्ट वाओ दोस्तों, कार चला के मज़ा आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त कार है। मैंने इसका 1 लीटर वाला इंजन भी चलाया है, लेकिन इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ही रिफाइन इंजन है, चलाने में मज़ा आया। कार एकदम अगर हल्का सा ही पुश करते हो तो रॉकेट की तरह निकलती है। अगर आप इंटीरियर से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो इससे बेस्ट कार नहीं है 20 लाख के अंदर। लेकिन मुझे क्या है कि मुझे इंटीरियर भी अच्छा चाहिए और चलाने में भी कार अच्छी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इस तरफ जाता हूँ कि मुझे हर चीज़ ही बढ़िया चाहिए कार की, तो उस वजह से ये कार अभी मेरा प्लान नहीं है लेने का। लेकिन अगर आप एक इंजॉय करना चाहते हैं राइड को, तो उस हिसाब से ये कार बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।